अरे इधर तो देखो, अरे फोटो तो भेजना नहीं। सास को इससे ट्राई करवा करवाएंगे पैर पे। ना ना गुदगुदे लगते होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले अपने सब बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, पहला जय माता दी। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट देवभूमि उत्तराखंड से। और अभी हम फिर से तैयार होके जाने लग गए हैं मार्केट। तो आजकल हमारा ना यही चल रहा है, शॉपिंग 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 शॉपिंग। तो अभी हमने सारा काम धाम किया, घर का खाना वाना खाया। तो अभी टाइम हो रहा है मतलब 3:30-4 बजने बज गए हैं। तो अभी हम सब कोई चले गए, कोई आ रहे हैं, सास तो चले गई है, जेठानी लोग आ रहे हैं पीछे से। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट। अभी आज भी जेठानी जी की शॉपिंग करना है। कर तो दिल्ली लेने वाले कपड़े लिए हमने सहारनपुर से, आज हम देहरादून में ही करेंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। तो चलो चलते हैं, आप लोगों को भी साथ में ले जाते हैं। और घर में मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि था ही नहीं कुछ ब्लॉगिंग करने के लिए। चलो चलो छुटका चलो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। नन्नू बाय छुटका, बाय। तो यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है। गाड़ी के बाड़ा ला, गाड़ी पन का बाड़ा ला, पन का वे बाड़ भी दिच्छो बाट बन वे रेट के। तो यहाँ पे पता नहीं कौन सा काम चल रहा है, सारे नाली नाली खुद रही है साइड साइड से। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे पी बोल्डेजर लगा है ना, खोद रहा है आगे जेसीपी खतरनाक तरीके से। और हम लोग ना बड़े बच बच के चल रहे साइड साइड से, वरना नज़र हटी दुर्घटना घटी। अगर हमने नज़र हटा ली तो हम सीधे नाली में दिखेंगे, अगल बगल और कहीं नहीं दिखेंगे। चलो चलते हैं, देखो तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे आँखों का चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि सास को थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे अंदर भैया कर रहे थे आँखों का चेकअप सास का। और यहाँ पे ना इनका जो ये चश्मा जो सास ने पहना है ये अपना होता है, और इसमें लेंस डाला जाता है, तो उससे जो आगे लगा रखा है उससे पढ़ा जाता है ये सब कुछ। तो वही हो रहा था। तो और दिन तो दीदी करता है, आज भैया कर रहे थे, क्योंकि दीदी सुबह बैठती है और भैया शाम को बैठते हैं, इसके बाद तो दीदी भी आ जाएगी। चलो करने देते हैं आँखों का टेस्ट, फिर चलते हैं मार्केट। तो यहाँ पे चश्मे फिट हो रहे, तुम्हारे साथ ही और नाराज हो रहे। जेठानी जी आने के बाद ही चश्मे फिट हुए हैं। पूरे साथी अच्छा। तो अभी नियर के ले रहे तो बच्ची होगी ना, उसको लड़के को देखी हो दवाई डाल लो। मजबूत फ्रेम लाओ ना, जो टूटल नहीं, मजबूत फ्रेम खत्म हो गई। अरे यार तुम्हारा लड़की ना बहुत वो करती है। तो फाइनली बैठ चुके हैं हम गाड़ी में, पेट में गुड़गुड़ या कसम से गुड़गुड़ कब जाएगा। कितना टाइम है दूर से, आपके बाल अच्छे दिख रहे हैं भाई। हम कहीं भी जाते हैं ना, आधे लोग आ जाएंगे आधे लोग बाद में आएंगे, ऐसे ही रहता है पता नहीं क्यों। सास अपना वो कर रही हैं, आंखें दिखा रही हैं, चश्मा जो चश्मे का फ्रेम होता है ना वो सिलेक्ट कर रही हैं, इसलिए शायद लेट हो रही है।
मेरे पेट में गुड़ 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 हो रहा है। चलो मिलते हैं सीधे दुकान पे साड़ियों के साथ। पूरा मुंह पैक कर लेती हूँ ना, बदबू आती है, क्या कर सकते हैं, बहुत एलर्जी है मुझे गाड़ियों से, बहुत ज़्यादा कुत्ते ही, इसीलिए मैं गाड़ी में ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करती हूँ। गाड़ी में मैं मरी जाती हूँ, मरी, कल तो मैं मरी गई थी, थोड़ा थोड़ा बची, कल का अभी भी मेरे पास पेट में खुमार है। चलो डॉन आ गया, डॉन इसको पकड़े रखना पीछे से। तो यहाँ पे हम आ गए हैं डी कैथलोन में, और यहाँ पे कर रहे हैं भैया जी, बोले तो जेड जी शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पे अपनी, और अभी हम सबके सब आ गए हैं। तो आज जेठानी जी करा रही है जेड जी की शॉपिंग अपने पैसों से, तो देखते हैं क्या क्या हम, और उधर है जेड जी लोग फुल शॉपिंग करने। आज जेड जी ने ठान रखी है जेठानी जी का पर्स खाली करने का, क्रेडिट कार्ड एटीएम सब खाली करने का, क्योंकि यहाँ पे मिलता है महंगे महंगे सामान, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर में मिलते हैं सामान, मतलब ज़्यादा ज़्यादा ऑफर में अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं। कैप ले जा लेते हैं अभी से। क्यों? इसीलिए चलो। क्या दिला रहे हो? कुछ नहीं, बस वहाँ पे ना सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स की चीज़ें मिलती हैं, मतलब जो स्पोर्ट्स के लिए कुछ सामान देख रहा है तो उसके लिए डी कैथलोन सबसे बेस्ट है। मतलब यहाँ पे जिम के जो जिम में यूज होते हैं ना जो सामान वो भी मिलते हैं, और स्पोर्ट्स के शॉर्ट्स वगैरह सब कुछ मिलते हैं यहाँ पे। खैर हमको तो कुछ नहीं लेना, स्पोर्ट्स से हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, स्पोर्ट्स का संबंध सीधे सीधे स्पोर्ट्स टीचर से है, हमारा कोई संबंध नहीं स्पोर्ट्स से, बिल्कुल वो वाला है सर्कस। तुम भैया के लिए दिला रहे हो कि खुद के लिए ले रहे हो, हैं? नहीं लग रहा यार कत्ता ही। ये नीचे से ना बहुत वो है, जैसा आपको वो व्हाइट वाला है ना वैसा होता तो ठीक है, ठीक भी रहता, अच्छा नहीं है। चलो और देखते हैं, चलो छुटका हम मम्मी के पास आते हैं। आजा आजा आजा, फ्री का मिला है ना छुटका, देखो देखो, ओ निकाल निकाल। ये भी कपड़े लेने लग गई हूँ पति देव जी के लिए, और यहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी टी शर्टें थी, तो मैंने सोचा मैं दो तीन टी शर्टें इनके लिए ले लूँ, क्योंकि अच्छी होती हैं और ये वाली टी शर्टें इनको पसंद आती हैं, तो इसीलिए लेते हैं। फिर बताते हैं घर जाके कि क्या क्या लिया मैंने घर जाके, या किसी और ब्लॉग में जिस दिन ये पहनेंगे उसी दिन बताऊँगी ये मैंने दिया है इनको। चलो एक टी शर्ट और ढूँढ रही हूँ बिना कॉलर वाली ना, घर जाके दिखाऊँगी मैं इसको, अभी मैं फटाफट ले लेती हूँ, बाकी लोग पता नहीं कहाँ गए, वो अपन नहीं लगे हैं सबके सब ढूंढने पे। यहाँ पे भैया कर रहे हैं, वहाँ पे दीदी कर रही है, इन्होंने एक चीज ली है और कहाँ कहाँ कुछ नहीं। हाँ भाई इसने इतनों को दंगा दिया ना आज, खतरनाक दंगा दिया भाई इसने, दंगा रही मम कैसे को दीदी दीदी बोल, हेलो दो हाथ हाय बोल रहा, हाय हाय हेलो, आ जाओ गले गले मिलो गले मिलो, अच्छा गले मिलो। वहाँ पे ना ये भी ना वो वाला जो खुद से बिलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो जो ये कर रहे हैं ना ये मैंने भी किया था, पर उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो ये वाला प्रोसेस बहुत अच्छा है बिलिंग करने का, खुद का बिलिंग खुद से करो गूगल पे, मतलब जिसका गूगल पे होता है वही ऐसी बिलिंग करता है, और जिसका कैश होता है ना वो उस साइड जाता है। फिर देखो पता नहीं जेठ जी खुद के पैसे से ले रहे हैं, जेठानी जी शॉपिंग करवा रही हैं, इसका हमको पता नहीं,
तो चलो इनको करने दो अपनी बिलिंग, हम इनका करते हैं वेट। बस चल सास को इससे ट्राई करवा करवाएंगे पैर पे। लगाओ ना, ये सब वाइब्रेट होता है। उसको कुछ तो हो रहा है, इसमें इनको भी भयंकर गुदगुदी लगती है भाई। अब बड़े नहीं सो चार्ज क्या, ये पता नहीं कौन सी चीज को घुमा रहे हैं। देखो नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, चार्ज नहीं है भाई, वो चार्ज नहीं है वो। देखो तो दो तो ना, ये मसाजर है ना, तो इसको सब ट्राई कर रहे हैं एक एक करके, क्योंकि वो वाइब्रेट हो रहा है ना, तो सब ट्राई कर रहे हैं। ये देखो कितने हजार का आया, कितने लाख का आया, पता नहीं 5 लाख का बिल आ गया ऐसा सुनाई सुनने में आ रहा है कि 5 लाख का बिल। आपने किया 5 लाख का बिल, जेठानी जी को तो गुस्सा आ गया ना, खतरनाक वाला गुस्सा। वो देखो भैया वहां से यहाँ से जेठानी जी का। चलो यार अभी इनका होने दो डिसाइड, बिल कौन कर रहा है। एक हेलमेट गिफ्ट में है ना छुटका, हेलमेट गिफ्ट मिला। नो नो बोलती, नो नो निन्नो राव, उसको वो पसंद आया था। तो अब चल दिए हम यहाँ से डी कैथलोन से बाहर, फिर वही वाली कार में पेड़ में गुड़ 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 गुड़। तो यार डी कैथलोन से आके हम सीधे चले गए थे साड़ी देखने के लिए, क्योंकि जेठानी जी अपने लिए वहां से साड़ी नहीं लाई थी, तो सीधे देखने के लिए चले गए थे। और यहाँ पर जेठानी जी को भैया पहना रहे थे साड़ी, पापा जेठानी जी को ये वाली साड़ी पसंद नहीं आई, मुझे तो आई थी पर उनको नहीं आई क्योंकि इसका ब्लाउज सिंपल था। तो थोड़ा बहुत हमने साड़ियाँ देखी, उसके बाद हम चले गए घर। और आज भी कोई साड़ी पसंद नहीं आई, कोई साड़ी ली नहीं जेठानी जी ने, तो वो लेंगे अपने लिए बाद में साड़ी। तो चलो चलते हैं घर। मुझे तो अच्छा लग रहा है।